यूरोप और अफ्रीका के प्रतिनिधियों का एक दल आज दो दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचा। इस दल में राजनयिकों के अलावा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में यूरोपियन यूनियन के भारत में राजदूत उगो अस्तुतो और फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लिनेन भी शामिल है। श्रीनगर पहुंचने पर यहां उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। दो दिवसीय दौरे के दौरान ये प्रतिनिधिमंडल 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 की समाप्ति और राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी लेगा। दौरे के पहले दिन प्रतिनिधिमंडल ने DDC के नवनिर्वाचित सदस्य, कुछ प्रमुख नागरिकों और प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठकें की। इन प्रतिनिधियों को एक प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाया गया कि कैसे पंचायतों को वित्तीय अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाया गया है। कश्मीर घाटी में कानून व्यवस्था की स्थिति से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने इस दल को सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसमें विशेष रूप से पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा के माध्यम से आतंकवादियों को धकेलने के प्रयास और लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन के बारे में जानकारी दी गई। दूसरे दिन गुरुवार को ये प्रतिनिधिमंडल जम्मू का दौरा करेगा, जहां वे DDC सदस्यों और कुछ सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा उपराज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि इस दौरे से पहले ही पाकिस्तान आदतन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर राग अलापना शुरू कर चुका है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बीते महीने यूरोपीय राजदूतों को जम्मू कश्मीर की स्थिति बताकर उनसे भारत की बर्बरता को खत्म करने में मदद मांगी थी। कुरैशी यही नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद कश्मीर सॉलिडेरिटी डे पर संयुक्त राष्ट्र को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें यही दावा किया। अब पाकिस्तान ने कहा है कि भारत सरकार प्रतिनिधिमंडल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भटकाना चाहती है। हालांकि पाकिस्तान को इस मामले में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी इस दौरे को एक अहम मकसद पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में होने वाले मानवाधिकार उल्लंघन के कथित दावों का जवाब देना है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद से ही घाटी में तीसरी बार विदेशी राजनयिक पहुंच रहे हैं। पिछले साल अमेरिका सहित 17 देशों के प्रतिनिधियों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। उस दल में वियतनाम, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, उज्बेकिस्तान, नाइजर, नाइजीरिया, मोरक्को, गुआना, अर्जेंटीना, फिलीपींस, नॉर्वे, मालदीव, फिजी, टोगो, बांग्लादेश और पेरू के राजदूत भी शामिल थे। इसके अलावा यूरोपीय संघ के 23 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल भी दो दिवसीय यात्रा पर जम्मू कश्मीर गया था। ब्यूरो रिपोर्ट।